तो हाय गाइस, आ चुके हैं हम लोग 12वें वीडियो के साथ। इसका मतलब 12 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12 मई 2021 है आज और नोफैप का 12वां दिन। तो भाई सबको सल्यूट है, पहले तो सबको जो जो नोफैप कंप्लीट कर चुके हैं 12 दिन का, उनको सबको सल्यूट है। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनको भी सल्यूट है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन मत लो, जारी रखो भाई, जैसे हो सके वैसे करो, रोको पर ठीक है। मैंने एक महीने का चैलेंज दे रखा सबको, मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए आपको डेली का अपडेट देता हूँ मैं, कैसी फीलिंग है, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो आज 12वां दिन है तो सही फीलिंग है, आज मस्त है भाई। जैसे 12 दिन हमने कर लिया है तो फीलिंग यार धीरे धीरे करके तो बढ़ेगी ना, एकदम से तो बढ़ नहीं सकती। और डेली का सही नहीं रहूँगा मैं, जैसे आज ठीक है फीलिंग, आज बिल्कुल सही रही, बट कल क्या पता सही ना रहे और उसके बाद पता नहीं कैसा दिन रहेगा मेरा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका नहीं सोचेंगे हम लोग, आज के ही सोचेंगे, प्रेजेंट का सोचना चाहिए ठीक है। तो पहली बात भाई ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें नाइटफॉल हो गया, नाइटफॉल होने के बाद हम लोग रिलैप्स कर लेते हैं, तो ये भाई ये गलत है। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि भाई नाइटफॉल होता है उसकी कोई दिक्कत मत लो। नाइटफॉल होने के बाद आपकी जो काम वासना थोड़ी आपको बढ़ाती है कि भाई आप नाइटफॉल हो गया, चल अब निकाल ले, कर ले, ख़त्म कर दे, नाइटफॉल तो हो ही गया। वैसे नाइटफॉल को यार वैसे मत ले जाओ कि आपने रिलैप्स कर लिया है, आप करोगे रिलैप्स, इस तरीके से मत देखो। नाइटफॉल है क्या, जब आप सोचते हो पूरा दिन, काम वासना आपको बिल्कुल हावी रहती है, आपकी अर्जिस आपको बिल्कुल सोचने पे ना मजबूर करके रखते हैं पूरा दिन, बट आप उसके बावजूद भी नहीं हिलाते, समझ रहे हो, उसके बावजूद भी आप मास्टरबेशन नहीं करते, तो तभी होती है नाइटफॉल। तो एक तो इसी रीज़न से होता है, दूसरा होता है अगर आपकी बॉडी गर्म रहे उसके बावजूद आप सोचो, तब होगा नाइटफॉल। बस यार इतना मत सोचो दिन भर, अगर इतने सोच रहे हो आपको कंट्रोल नहीं हो पा रहा सोच पर, तो रात को सोने से पहले ना आप अपने पैर धो लिया करो, मुंह धो लिया करो, हाथ धो लिया करो ठंडे पानी से, उसके बाद सोया करो। अगर आपको आप चाहते हो कि नाइटफॉल ना हो, मेरे को आज मुझे नाइटफॉल ना हो, कल ना हो, पर जब भी आप चाहते हो आप रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर मुंह को ठंडे पानी से धो लिया करो। वैसे तो ये हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सोने से पहले पैर धो के सोना चाहिए अपने, तो इसीलिए कहते होंगे शायद। तो भाई प्लीज़ नाइटफॉल को इतना सीरियस मत लो, उसका कोई टेंशन नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें हिलाना नहीं है, हमें मास्टरबेट नहीं करना खुद से। जैसे हमने 12 दिन रोक लिया है उसी तरीके से हम एक महीना तो ऐसे ही रोक लेंगे चुटकी में। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई अगर एक बार हमने रोक लिया ना, एक बार हमारे ये अर्जेस काम वास्ता ख़त्म हो गई, तो समझ लो सब कुछ ख़त्म। और उसको रोकने के लिए हमें पॉर्न नहीं देखना और ना ही सोचना किसी के बारे में। तो बस इन सब चीज़ों पर कंट्रोल रखो, अपने आप आपका नोफैप बन जाएगा और मास्टरबेट आपका रुक जाएगा, आप रोक करोगे नहीं। मेन चीज़ मास्टरबेशन में क्या होता है, पॉर्न देखना, उसी के कारण ही होगा, सोचोगे उसी के कारण ही होगा, उसी के कारण ही आप मास्टरबेट करोगे। अगर आप ना सोचो, अगर आप पॉर्न ना देखो, तो उसके अलावा क्या आप मास्टरबेट कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, जब तक आप सोचोगे नहीं, अपने दिमाग में उन सब चीज़ों को लाओगे नहीं। तो भाई इस चीज़ पर कंट्रोल करो बस, अपने दिमाग पर बस, सब पर कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे नोफैप का टाइम भी बढ़ते जा रहा है और हम भी किसी ना किसी एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, ये यकीन है मुझे यार। नोफैप को बनाए रखो बस, तोड़ना मत यार, जो ना तोड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, बट कोशिश करते रहो यार, बनाते रहो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि मैं कर सकता हूँ ठीक है। तो आज का दिन भी बीत गया, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।